अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है मेरी कॉफ़ी जो मैं लेने लगी हूँ। इस वक्त तकरीबन जो है शाम के 5 बज रहे हैं, ये देखें। और मेरी सिस्टर आ रही हैं, ये मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ जो मैं ड्रेस पहनने लगी हूँ उनके लिए। मैं डिटेलिंग आपको उसकी बताती हूँ। ये साथ में ट्राउज़र है जिसके ये लेस के साथ, ये मैंने ट्राउज़र रेडी में लिया और शर्ट जो है ना वो मैंने खुद स्टिच करवाई है। ये स्विस लॉन है और ये देख रहे हैं बीच में लेस वगैरह ये जो होती है ना ये कुम लगवा के। और इसका मैं आपको नेक का भी डिज़ाइन दिखाती हूँ। नेक इसका बहुत अच्छा बना हुआ है, ये इसका नेक है और ये इसके बाजू। और इसके साथ दुपट्टा है जो किसी और सूट के साथ का था और मैंने इसको अब ज़बरदस्ती इसके साथ मैच कर दिया। लग तो रहा है जैसे डार्क है इससे, लेकिन चलिए इसको प्रेस करते हैं फिर मैं पहनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ये मैं किचन में आ गई थी और मैं बिरयानी की जो है वो प्रिपरेशन में लग गई, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया पहले सिस्टर मेरी आ रही थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से एक छोटे छोटे क्लिप्स बनाए, क्योंकि मैं बड़ी बिरयानी और वो बना रही थी, कीमा, आलू मटर, सालन और स्वीट डिश में सवैयाँ, कबाब वगैरह, तो बड़ी सिंपल सी रेसिपीज़ हैं। तो फिर इस वजह से मैंने ज़्यादा डिटेल में इसकी वो नहीं ली, सारे मैंने छोटे छोटे सिर्फ 2-4 क्लिप्स लिए थे आपके साथ शेयर करने के लिए। और उसके बाद फिर ये मैं रूम में आ गई, मैंने फिर अपना ड्रेस पहन के देखा तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं साथ में आपको अपने रूम का भी थोड़ा सा टूर करवाती हूँ, क्योंकि आज मेरी सिस्टर की वजह से मैंने अपने रूम को जो है वो काफ़ी उस नीट क्लीन किया और उसको थोड़ा सेट किया, तो मैंने सोचा मैं आज आपके साथ अपना रूम का टूर जो है वो शेयर करती हूँ। तो ये मैंने एक सोफ़ा रखा हुआ है साइड पे, इसके ऊपर 4 पिल्लो हैं, ये साइड में साइड टेबल्स बनाई हुई हैं, इसके ऊपर ये लैंप्स रखे हुए हैं और ये इसकी लाइट मैंने ऑन कर दी है। और फिर ये बेड है और ये मैं यहाँ से आपको फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ कि कैसे है। और ये मैंने लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था कि मेरी बेटी ने ये DIY किया है जो मिरर्स के साथ। ये मेरी कबर्ड है, कर्टन साथ में ये ड्रेसिंग है मेरा, इसके ऊपर मैंने लाइट्स लगाई हुई हैं और ये चीज़ें रखी हुई हैं। ये बस सिंपल सा रूम है मेरा जो मैंने अपने हिसाब से इसको सेट किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो आप कैसा है आप ज़रूर बताइएगा। और ये फिर उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था अपने रूम का टूर। किचन में आ गई और कुछ काम रह गए थे वो मैंने किए। कबाब वगैरह मैं इधर फ्राई कर रही थी क्योंकि सिस्टर जो है वो बिल्कुल आने लगी थी। और ये अब हम लेकर जा रहे हैं, हम डाइनिंग टेबल पे अपना जो है वो खाना लगा रहे थे। शामी कबाब रखा, कीमा, आलू बिरयानी और चिकन का सालन साथ में रायता था। साथ में मैंने ये गरम रोटी भी बना ली फ्रेश घर की। और जो है ना बड़ा सिंपल सा मेन्यू रखा था, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी और सब ने बहुत तारीफ़ की। उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आई होंगी और परफेक्ट। उसके बाद ये हम लोगों ने बड़े खाना एंजॉय किया। खाना खाने के बाद हम लोग दरिया पर आ गए थे और यहाँ पे हम ये ऊपर हाइकिंग करके हम लोग ऊपर माउंटेन्स जो बने हुए हैं दरिया के साथ वहाँ पर हम लोग गए और बच्चे माशाल्लाह सारे चढ़ के साथ के और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने वहाँ पर। और ये साथ में एक वो मस्जिद सी बनी हुई है, यहाँ से इतना प्यारा सीन लग रहा था, साहब बहुत इंजॉय कर रहे थे और बच्चे भी ये देखें कितना इंजॉय कर रहे थे। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिए।